Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. In today's video beta, we are going to cover up Unit 1 Digital Documentation Advanced, that is part of subject skills of IT syllabus of class 10 CBSE board, and in continuation with yesterday's part 1, that was on session 4, create and customize table of contents. I'm coming up with this part 2 for all of you. I hope आप लोगों ने part 1 अब तक देख लिया होगा. Just in case आपने नहीं देखा तो I'll provide the link in description. You can just watch it before watching this part. Fine. So let's get started with part 2, and that is again on table of contents. Table of contents, if you remember, yesterday I told you how to create table of contents in part 1 video, how to work with it from insert index table dialog box, and we did index table tab yesterday, we did the columns tab, and we did the background tab. So we are now left with these two tabs, that is entries tab and styles tab. I'm going to cover up these two tabs in today's video. Fine. So styles tab beta pehle karte hain. Styles tab mein basically kya hota hai, that आप क्या करते हो, आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स के हेडिंग्स पर आप कोई भी पैराग्राफ स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहो, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में बैकग्राउंड में जाकर बैकग्राउंड कलर को नो फिल कर लेते हैं, सो दैट इट अपीयर्स वाइट. यू कैन सी द इम्पैक्ट क्लियरली. नाउ लेट अस गो टू एडिट इंडेक्स टेबल एंड सिलेक्ट द स्टाइल्स टैब. Styles tab में आप देख रहे हो, these are two list. One is having the heading levels and the other is having paragraph styles. And then there is this arrow which is, its direction is from right to left. Fine. So basically आपको जिस भी content के लिए heading लेनी है वो आप लीजिए, और उस पर जिस भी heading level को आपको style देना है उसको यहाँ levels से select कर लीजिए. Suppose I want to style this level 1, contents 1. Fine. अब मैं यहाँ से suppose I want to give it caption. ठीक है, मैं इसको कैप्शन देना चाहती हूँ. यहाँ से मैंने कैप्शन लिया. ठीक, मैं फर्दर एडिटिंग भी कर सकती हूँ. नहीं तो सिंपलेस्ट तरीका क्या था कि ये कैप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया, ये एरो बटन मूव किया, तो ये कैप्शन पैराग्राफ स्टाइल इधर वाली सिलेक्टेड हेडिंग पर अप्लाई हो जाएगा. सो एडिटिंग के ऑप्शंस भी मैं आपको थोड़े से बताती हूँ. एडिटिंग में आई टेल यू द यूज ऑफ सर्टेन टैब्स. जैसे सपोज फॉन्ट टैब है, आपने फॉन्ट में जाकर सपोज आपने ये फॉन्ट ले लिया फर्स्ट हेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी रेगुलर. ठीक है, और अब आप चलते हो बैकग्राउंड पर, और बैकग्राउंड में अभी यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर ले लीजिए आप, यहाँ सपोज आपने ब्लू ले लिया. ठीक है, अब आप चलो फॉन्ट इफेक्ट्स पर, आप देखते हो नीचे प्रीव्यू क्रिएट होता चला जा रहा है, और आपको जो भी फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो. सो बैकग्राउंड वी हैव टेकन ब्लू, फॉन्ट वी हैव टेकन ट्रांसफॉर्मर्स मूवी रेगुलर, एंड वी कैन इवन इंक्रीज द साइज फ्रॉम हियर. सी 14 प्रीव्यू में आ रहा है, एंड देन फॉन्ट इफेक्ट्स में वी हैव चोजन द फॉन्ट कलर. लेट्स क्लिक ऑन ओके. सो अब ये मेरा कैप्शन टैग थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो गया. आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो एंड सी व्हाट विल हैपन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एरो. दिस एरो पे क्लिक करने से वो वाला टैब, वो वाला जो पैराग्राफ स्टाइल था कैप्शन पैराग्राफ स्टाइल, वो मेरी हेडिंग लेवल 1 पर इम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्टाइल्स टैब टू, लेट्स अगेन मूव टू स्टाइल्स टैब. वी कैन यूज द स्टाइल्स टैब टू अप्लाई डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल्स एडिटेड अकॉर्डिंग टू अस टू एनी लेवल ऑफ हेडिंग. करना क्या है आपको, दोनों सिलेक्शंस करना है और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना. सो दिस पैराग्राफ स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ हेडिंग. फाइन, अब चलते हैं एंट्री स्टैप. सो दिस लॉट मेनी थिंग्स इन टेबल ऑफ कंटेंट्स. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आप ये पढ़ रहे हो. एंट्री स्टैप में देखो बेटा, ये लेवल्स हैं, 1 to 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट राइटर इवैल्यूएट्स अप टू 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग व्हाइल मेकिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. ठीक, नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर लाइन फॉर एवरी दिस थिंग लेवल ऑफ हेडिंग. वी हैव द स्ट्रक्चर लाइन एंड दिस स्ट्रक्चर लाइन इज हैविंग सर्टेन बटन्स. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं रीड आउट कर देती हूँ आप लोगों के लिए. दैट देखो, एंट्रीज टैब जो है हमारा या पेज है, उसमें वी कैन फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंड वी कैन अप्लाई दिस थिंग फॉर्मेटिंग टू ईच लेवल ऑफ स्टाइल इंडिपेंडेंटली. फाइन, सो हमें करना क्या है, लेवल वाले लिस्ट में से लेवल नंबर सिलेक्ट करना है,
जिसको हमें फॉर्मेट करना है, और फिर उसकी स्ट्रक्चर लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उस स्ट्रक्चर लाइन में से हमारे पास कुछ बटन्स होंगे जो हमारे क्या क्या इंडिकेट करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। स्ट्रक्चर लाइन्स पे बेटा बाय डिफॉल्ट 4 बटन्स विजिबल होते हैं, ई हैश, ई टी एंड हैश, ठीक। बाकी 2 बटन्स हमारे इनिशियल स्ट्रक्चर लाइन पे अवेलेबल विजिबल नहीं होते, हमें लाने पड़ते हैं जब हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं। सो ई हैश क्या रिप्रेजेंट करता है? चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर का मतलब क्या हुआ? जो आपकी हेडिंग स्टाइल को, जो आपकी हेडिंग स्टाइल है उसका हेडिंग नंबर क्या है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। ई रिप्रेजेंट करता है आपका चैप्टर का एंट्री टेक्स्ट, मतलब चैप्टर का जो कैप्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर या सब चैप्टर के टेक्स्ट को, मतलब जो भी आपके चैप्टर का नाम है या सब चैप्टर का या सब टॉपिक का कंटेंट है उसको ये रेफर करता है। टी रेफर करता है टैब स्टॉप को, टी फॉर टैब। हैश रेफर करता है बेटा आपके पेज नंबर को, आप देखते हो इंडेक्स टेबल ऑफ इंडेक्स में पेज नंबर्स आते हैं। ls होता है लिंक स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, ठीक है, और le होता है एंड ऑफ अ हाइपरलिंक, ठीक, लिंक एंड। अब इन सब के बटन्स के साथ साथ छोटी छोटी व्हाइट फील्ड्स होती हैं जहां पर आप अपने और बटन्स को ऐड कर सकते हो। सो लेट अस प्रोसीड, चलते हैं और इसको हम बना के देखते हैं, इस टैब का यूज देखते हैं। एंट्री टैब पर चलते हैं। मैंने यहाँ से लेवल 1 सिलेक्ट कर लिया। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। लेवल 1 देखो बेटा, चैप्टर नंबर हो गया, चैप्टर कंटेंट है, प्रीव्यू साथ साथ आप देखते जाना। मैं यहाँ से ये, अगर मान लो मुझे चैप्टर हेडिंग डिलीट करनी है, व्हाट आई कैन डू, आई विल सिलेक्ट दिस बटन, एंट्री बटन, एंड प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। आप यहां देखो प्रीव्यू में भी ये डिलीट हो गया है, एंड लेट मी क्लिक ऑन ओके, सी दिस इज गॉन नाउ, ठीक है। इसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल गो टू एडिट इंडेक्स टेबल, एंट्रीज टैब में जाकर इस वाइट स्पेस पर, यहां था ना हमारा वो ई हैश के बाद था, यहां क्लिक करिएगा और एंट्री टेक्स्ट बटन पे वापस क्लिक कर दीजिए। अब आप देखो प्रीव्यू में भी वापस आ गया, मतलब हटाने के लिए बटन को सिलेक्ट करके यू हैव टू प्रेस डिलीट, और वापस लाने के लिए जहां भी वो चाहिए उस जगह पर वाइट स्पेस पर आप लेफ्ट साइड पर क्लिक कीजिए और उस बटन पर यहां से इधर से क्लिक कीजिए, वो रीअपियर हो जाएगा। लेट्स सी, अब आपके पास ये वापस आ गया, ठीक। ये हम लेवल हेडिंग पे करें, ये काम आप सारे लेवल्स पर कर सकते हो, और अगर ये आप चाहते हो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट पर ये काम अप्लाई हो तो ऑल पर क्लिक कर दो, एक एक लेवल वाइज ना होके सब लेवल्स पर अप्लाई हो, यहाँ से ऑल पर क्लिक कर दो। अब देखते हैं सर टी का क्या यूज है। टैब स्टॉप है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। आप देखना कीबोर्ड से डिलीट दबाओगे आप, ओके करो, देखो ये जो आपके पेज नंबर टैब स्पेस के साथ थे ये हट गए और ये पेज नंबर इस जगह आ गया, यानी ये टैबिंग हट गई, ठीक। अब एडिट पे चलते हैं, वापस इसको लाने के लिए क्या करेंगे, जिस जगह टैब था चाहिए था वहां क्लिक कीजिए, टैब स्टॉप बटन पर क्लिक कीजिए। फिल कैरेक्टर आपको पता है आपका क्या था, डॉट, उस पर क्लिक कीजिए और राइट अलाइन कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ प्रीव्यू में वापस से आ गए, डॉटेड लाइन अपियर हो गई, राइट अलाइन होके आपका टैब पेज नंबर भी दिख रहा है, ओके कर दो, ये वापस आ गया बेटा, ठीक है। अगला काम इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो आप यहां से गए एडिटिंग करी, अब आप पेज नंबर देखो, आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पर इधर जगह पेज नंबर ना आए, जो मेरा चैप्टर जहां से शुरू होता है, आई डोंट वांट पेज नंबर्स देयर, सो हैश को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट करो, क्लिक ऑन ओके। अब आप देखो ये पेज नंबर जो यहाँ लिखा आ रहा था ये रिमूव हो गया। बाकी पेज नंबर्स क्यों इंटैक्ट हैं, बाकी चीजें क्यों नहीं एडिट हो रही, क्योंकि हम लेवल 1 पर इस समय एंट्री टैब की स्ट्रक्चर लाइन पे वर्क कर रहे हैं। जिस भी लेवल के स्ट्रक्चर लाइन पे आप वर्क करोगी वो आपका आ जाएगा, ठीक है, उसी पे वो वर्क करेगा। और अगर सभी स्ट्रक्चर, सभी लेवल्स को सेम स्ट्रक्चर लाइन देना है तो ऑल पे क्लिक करोगे आप। अब यहाँ वापस पेज नंबर ले आते हैं, तो अब आप देखो पेज नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि मैं आपको हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। देखो 2 बटन थे ls और le, मुझे चैप्टर नंबर्स को हाइपरलिंक बनाना है। अभी इस समय अगर आप देखो तो इस चैप्टर नंबर पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। व्हाट आई वांट कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चैप्टर नंबर, ठीक है, व्हाट आई शुड बी टेकन टू दिस चैप्टर नंबर। मैं इसको किसी के लिए भी कर सकती हूँ, मान लो मैं सब पहले टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम को हाइपरलिंक बना सकती हूँ, मैं ALU को हाइपरलिंक बना सकती हूँ, मतलब मैं जिस भी लेवल को चाहूँ हाइपरलिंक बना सकती हूँ। एंड व्हाट विल हैपन विद अलोंग विद, इफ आई क्लिक दिस हेडिंग अलोंग विद कंट्रोल की, आई विल बी मूव्ड टू दैट पेज वेयर दिस कंटेंट इज अपियरिंग इन माई डॉक्यूमेंट, फाइन। सो आई वुड स्टिल टेक चैप्टर 1 के लिए, लेवल 1 के लिए लेते हैं। आप ई हैश से पहले राइट क्लिक कीजिए बेटा, ई हैश से पहले वाली वाइट स्पेस पर क्लिक कीजिए, ठीक है।
क्योंकि बिगनिंग हाइपरलिंक यहां से होगी और हाइपरलिंक बटन को क्लिक करो। अब आप यहां देखो ls आ गया, दैट इज लिंक स्टार्ट हो गया, हाइपरलिंक स्टार्ट हो गया यहां से। अब आपको ये हाइपरलिंक कहां एंड करना है, कंटेंट के बाद, है ना, चैप्टर की एंट्री टेक्स्ट के बाद। यहां पर क्लिक कीजिए और हाइपरलिंक पर क्लिक कर दीजिए, ये ls आ गया। यानी ये मेरा पूरा, यहां प्रीव्यू में देखो ये हेडिंग वन मेरी, इसका पूरा कंटेंट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंडिंग लिंक बन गया है। ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन ओके नाउ। ठीक, नाउ यू कैन सी दिस इज अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स आपको पता है ब्लू कलर के होते हैं। तो अब आप यहाँ कंट्रोल कीबोर्ड से देखा ना, कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। सो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, इसको कंट्रोल प्रेस रखिए और क्लिक कीजिए, आप चैप्टर नंबर वन पर आ गए। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट हाइपरलिंकिंग। अगर आप चाहते इस पूरे हाइपरलिंक को आप सब पर अप्लाई करना चाहते हो, ऑल पे क्लिक करो, ऑल पे क्लिक करो। देखो प्रीव्यू में हर चीज हाइपरलिंक बन गई। ओके करते हैं। अब आप देखो ध्यान रखना बेटा, हाइपरलिंक का कलर हमेशा ब्लू होता है। फाइन, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाइपरलिंक कलर इज ऑलवेज ब्लू। ठीक, अब आप इंट्रोडक्शन पर आ गए। आप इधर से जाना चाहो कैशे मेमोरी पर, कंट्रोल रखो, ये हैंड में कन्वर्ट होता है, क्लिक करो, आप कैशे मेमोरी पर आ गए। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस फीचर ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। इफ योर डॉक्यूमेंट इज वेरी लॉन्ग, यू नीड नॉट स्क्रोल इट, यू कैन कन्वर्ट द हेडिंग लेवल्स, द टेक्स्ट ऑफ द हेडिंग लेवल्स इन टू वॉट हाइपर लिंक, एंड सिंपली क्लिकिंग ऑन इट विल टेक यू, विल मेक यू, यू नो, यू विल straight away jump to the place where the content for this is being found. So I hope you are finding it interesting beta. This was about entries tab. Entries tab se humne kya kya kiya. अब एक चीज मैं आपको कल डिस्कस करते करते रह गई थी, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इस समय अगर आप देखते हो, आप इस हाइपर टेक्स्ट में, मान लो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को सेलेक्ट करते हो, कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, डिलीट दबाते हो, डिलीट मैं कीबोर्ड से दबा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज ये लॉक्ड फॉर एडिटिंग, ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वॉट मैनुअल चेंजेस है। अब अगर आप देखो एडिट में जाकर, अगर आप ये यहाँ से टिक हटा देते हो और ओके करते हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बैकस्पेस रखकर देखो, आई एम एबल टू व्हाट डू व्हाट, आई एम एबल टू मेक चेंजेस टू दिस थिंग। फाइन, सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स एडिट हो, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पर एडिट में जाकर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन को सिलेक्टेड रखूंगी, तो मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती। अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो खुलता है राइट क्लिक करके इसी डायलॉग बॉक्स के थ्रू चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने पांचों टैब्स अब कवर कर लिए हैं, और आप इन सब चीज़ों को ट्राई करके ज़रूर देखना। सी इट्स सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और जब आप ट्राई कर लो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि येस मैम वी हैव ट्राइड इट एंड नाउ वी आर एब्सोल्युटली थरो विद दिस फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो इन केस यू हैव फाउंड इट यूजफुल, एंड टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू।